Hare Rama, Rama Rama,
बाबा हमारा प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज है, श्री गोवर्धन नाम है। एक बार आप गिरिराज जी की पूजा करो और गिरिराज जी की हरियाली 100 वर्षों भोले बाबा बाहर को चले, ब्रज को बाहर नहीं सके। गिरिराज महाराज की कृपा से बाहर के जल को गिरिराज जी को उपले है बाबा। गिरिराज जी की तलहटी में हमारी गाय निर्भय विचरण करे हैं बाबा। बाबा एक बार मेरी बात मानो, गिरिराज की पूजा करो, मैं आपको वचन दूं बाबा, गिरिराज जी प्रकट है जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और मांग मांग कर तुमसे भोग लगा लेंगे। तुम पूजा करके तो देखो बाबा। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे कहने से इंद्र की पूजा तो करें, बंद कर दे, मैं हम गिरिराज की पूजा करेंगे, लेकिन हमारी लाला 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा खुशी से स्वीकार करनी होगी। दूसरा लाला, दूसरी शर्त यह है कि तुलसी छोड़ गई, थाली सजा गई, आंख बंद कर ली, भोग लग गयो, हम यह नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट है मेनू पड़ेगो, हमारा भोग स्वीकार करना पड़ेगो, दर्शन देने होंगे। और लाला तीसरी शर्त, यदि इंद्र महाराज नाराज हो जाए उसकी पूजा बंद करने से वह तो होंगे ही, वह कुछ गड़बड़ करने लगे तो तुम्हारे गिरिराज महाराज को हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी, गिरिराज को हमें बचाना होगा। कन्हैया बोले, ठीक है, गिरिराज महाराज के बड़े लंबे हाथ हैं, वह हर प्रकार से तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे, पर लाला हम तो जाने भी ना है गिरिराज महाराज की पूजा कैसे हो गए है। कन्हैया बोले, 56 प्रकार के भोग बनाओ, यही गिरिराज जी की पूजा है। और क्या क्या 56 भोग ब्रजवासी लोगों ने बनाए हैं सुने, फुरचन बनाई है, खीर मोहन है, खीर साकुर्मी, खीर खजला, जलेबी, कलाकंद बालू साई है, और भुंजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 भोग बन रहे हैं और महाराज छेना के रसगुल्ले भी बने हैं, छेना को राज भोग है और छेना के केला बने हैं, यह चीज छेना की बनी हुई है। उसके बाद भोजन बनी, पुलिया बनी और खोवा के लड्डू बने हैं, बेसन के लड्डू बने हैं, दही बड़ा बने, कांजी की बड़ी बने, खीर बनी, दही भात, कड़ी भात, दाल सब प्रकार की बनी। मसूर की दाल का भोग भगवान को नहीं लगता। सब तरकारी बनी, गीजड़ की रोटी बनी, दलिया भी बना। हमारे ब्रजराज में आदौटा दूध बनाए, जो रबड़ी भी नहीं होता, दूध भी नहीं होता, रबड़ी भी बनी। सब सामग्री बनाई, माखन मिश्री कई 1000 घड़ों में भर लियो गयो, यमुना जल भी भरकर सजा दियो, सब फल और मेवा भी सजाई, सारी सामग्रियां बैल गाड़ी में सजवाई गई। आगे आगे चल रहे हैं कौन, हमारे कन्हैया जी। सांगल यमुनी आगे आगे पूजा की थाली लेकर चल रहे हैं। सब ब्रजगोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और आगे कृष्ण जी चल रहे हैं, पीछे ब्रजवासी चल रहे हैं। वृंदावन से जा रहे हैं सीधे गोवर्धन की ओर और गिरिराज जी के पास आ गए।
भगवान बोले यह मियो गिरिराज जी है, और गिरिराज जी कोई छोटे मोटे थोड़े ही हैं, सात कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज हैं। बोले गिरिराज महाराज जिनके 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। ब्रजवासी बोले गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं लाला, भगवान ने कहा अब गिरिराज जी को स्नान कराओ। यमुना जी वहां से थोड़ी दूरी पर है, अब यह कोई शालिग्राम की थोड़ी है जो एक कटोरी जल में स्नान हो जाएगा। इनके लिए तो 10-20 हजार टन तो चाहिए ही चाहिए। ब्रजवासी यमुना जी से झट बल भरकर आए, लेकर आए गिरिराज जी महाराज को स्नान करायो। प्रात 4 बजे महाराज स्नान आरंभ भयो और साय हो गई, लेकिन गिरिराज जी के चतुर कोर नक भी गीलो ना भयो। कन्हैया हमारे बस की बात ना भैया, कमर टूट गई जल भर कर लाते लाते, तेरो गिरिराज जी को तो नक भी गीलो ना भयो भी। कन्हैया बोले चाओ कहा हो तुम सब बताओ, हम तो भैया ये चाहे हैं यमुना जी यहीं पर आ जावे। कन्हैया जी बोले आंख बंद करो, जैसे ही नेत्र बंद किए तो मेरे गोपाल ने मन से गंगा प्रकट कर दी, इसलिए उसका नाम है मानसी गंगा। बोली मानसी गंगा की, बोली मानसी महारानी की। बोली मानसी गंगा की, और मानसी गंगा के जल से श्री गिरिराज जी को स्नान करवा रहे हैं सांगल्य मुनि जी। बड़े बड़े विप्र देव बैठे हुए हैं गिरिराज धरणी की। सांगल्य मुनि ने सौरोपचार से पूजन करवाया। ब्रजवासी बोले भैया अब सामग्री सजा में। कन्हैया बोले गिरिराज जी भी प्रकट होकर भोग पामे, उसके पहले हम गिरिराज जी की परिक्रमा करामे। परिक्रमा जैसे ही पूर्ण भई कन्हैया बोले सभी नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र बंद कियो, एक रूप से कृष्ण मुरारी बनकर खड़े हैं और दूसरे रूप में 4 भुजा धारण करके गिरिराज जी महाराज बनकर प्रकट हो गए। गिरिराज महाराज की 4 भुजा धारण कर ब्रजवासियों से बोले लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ, ब्रजवासी भोग लगाओ, लाओ ब्रजवासियों भोग लगाओ। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए, लाला इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन हमें वाने दर्शन कबहु ना दियो। आज हम बड़े भाग्यवान हैं, तुम्हारो गिरिराज महाराज कितनो कृपालु है, कृपा को सागर है गिरिराज जी, देखो हमें प्रकट कर दर्शन दे रहे हैं। प्रकट होकर ब्रजवासियों को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण के जो मित्र हैं मधु मंगल ने कई लाला सुनियो। कन्हैया बोले कहा है, बोलो यार गिरिराज महाराज को मुंह में बिल्कुल तेरे जैसो ही है,